इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। छोड़ के चली गई हो? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, तुम घर वापस आ जाओ भाई। तुम्हारे बगैर घर घर नहीं लगेगा। और जिस तरह मोहब्बत एक हकीकत है, उसी तरह हमें दूसरी बातों को भी मानना पड़ता है। मोहब्बत के नाम पर नसीब से टकराने वाले खुद को ही तोड़ बैठते हैं। अब ये कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं, और सबसे बड़ा रिश्ता दिल का होता है ना? लेकिन तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी पहचान अब अलग हो चुकी है। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती तो ये बात कभी नहीं खुल पाएगी कि तुम कौन हो। माँ, गांव में एक बार आपने कहा था कि इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको एक नाम देते हैं, और वो नाम उसकी पहचान बन जाता है। और मुझे तो आप लोगों ने एक नई जिंदगी दी, और साथ ही साथ एक नाम भी दिया, अर्जुन। अब मैं कुछ और नहीं, तेरा बेटा हूं, अर्जुन। माँ, तेरा बेटा। अर्जुन भैया। अरे माता, आप आया था किसी और को देखने, पता चला अर्जुन भैया के चेहरे की पट्टियां खुल गई हैं, सो आ गए अर्जुन भैया को देखने। हाँ हाँ, देखो देखो हमारा अर्जुन कैसा लग रहा है। ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ बेटा। तुझसे कितनी बार कहा है कि बेटियां जो होती हैं कभी पैर नहीं छूती। एक बार जब किसी का कन्यादान कर देते हैं, अगर वो पैर छुए तो फिर पाप लगता है। तो जानती है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हम बस यही चाहते हैं कि तू जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। ललितिका, कैसी है बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? बेटा, माँ बाप की खुशियां तो बच्चों से जुड़ी हुई होती है, और ये कोई
कहने की बात तो है नहीं। बच्चे जब अपनी दुनिया में खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश। और अगर बच्चों की खुशियां रूठी हुई हैं तो माँ बाप भला कैसे खुश हो सकते हैं? आप लोगों की खुशियों का क्या पैमाना है ना, वो तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन आप लोग मुझे मेरे हालात पर क्यों नहीं छोड़ देते? अच्छा, तुझे तेरे हालात पे छोड़ दें? जिस दिन मां बनेगी ना, उस दिन ऐसा कभी नहीं कहेगी। अरे तेरे दिल में दर्द होता है तो आंसू हमारी आंखों से गिरते हैं, जब तेरी मुश्किलों के बारे में सुनते हैं तो नश्वर सा चुभता है हमारे दिल में। आप रहने दीजिए, मैं रितिका से बात करती हूँ। बेटे, ये सब क्या सुन रहे हैं? ये कैसा बचपना है? माँ, आपको मेरी शादी करवानी थी, आपने मुझे शादी करवा के विदा कर दिया। अब वहां मैं क्या करती हूँ, किस तरह से रहती हूँ, उस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, वहां जो कुछ भी होता है यहाँ उसका असर तो होता ही है ना। और सुजाता जी ने बुलाकर जिस तरह से मुझे ताने मारे हैं वो मैं ही समझ सकती हूँ। लेकिन माँ, आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? किसने कहा था आपको वहां जाने के लिए? आप मुझसे बात कर सकती थी। खैर, आप मुझे ये बताइए, आप कुछ पूछना चाहते थे मुझसे, क्या बात है? बात यह है बेटा कि तेरी जो ननद है ना साक्षी, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? तेरी जो ननद है ना साक्षी, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? सोच कैसे लिया? और फिर हमारे सोचने से क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि साक्षी इस बात के लिए राजी होगी, इस शादी के लिए राजी होगी। कैसी बात कर रही हो बेटा, रोहित ने खुद हमें बताया है, और तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो तैयार नहीं होगी? माँ, इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है साक्षी इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी, और जब हमें पता है कि ये शादी नहीं होने वाली है तो हम कोशिश क्यों करें? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रितिका कि वो हमारे घर की बहू बनना नहीं चाहती? ये बात आपसे रोहित ने कही? हाँ, रोहित ने कहा था, और अगर तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद रोहित के मुंह से सुन। रोहित। हाँ पापा। तूने कहा था ना अपनी माँ से कि साक्षी इस घर की बहू बनना चाहती है? जी पापा। क्या? हाँ, ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता था दीदी, लेकिन जब आपने ये बात कही दी है तो मैं भी बता दूं एक बात कि मैं और साक्षी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो साक्षी से बात कर लीजिए। ठीक है माँ, अगर रोहित और साक्षी
एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर एतराज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम क्यों एतराज करें पापा? आप लोग चाहे तो शादी की बात छेड़ सकते हैं। माँ, दिव्या अंदर है रूम में, मैं मिलकर आऊँ उसे। जा बेटा जा। शादी साक्षी से हो जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मानस और ऋतिका का रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ, मैंने कहा ना यहाँ सब ठीक ठाक है रघुवीर, वहां जा ख्याल रखना हर बात का। हाँ, मैं कल फोन करता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। हाँ, ओके, बाय बाय। माँ आ गई? नहीं, अभी तक नहीं आई बड़े पापा, उन्हीं का वेट कर रही हूँ कब से। मैंने फोन किया था, बोली कि मैं आ रही हूँ, और ये भी कहा था काजल भी साथ में आ रही है। काजल? हाँ। अरे आप माँ। नमस्ते माँ। अरे सुखीरो सुखीरो, क्या कर रही है? काजल। अरे बेटा, काजल मेरी वजह से ही गई थी ना, इसलिए मैं इसे वापस ले आई। चेची, आपके कहने से मैं वापस तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे जाने के बाद यहाँ बहुत गम हुआ या बहुत खुशी। क्या है बेटे, अपनी माँ को समझाओ। ऐसा क्यों कहती है माँ? आपको पता है, आपके जाने की वजह से रितिका भाभी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है, आप सोच भी नहीं सकती। और जब उन्हें पता चला कि आप वापस आ रही है, सबसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई है। कुछ नहीं बेटी, कहाँ है हमारी प्यारी बहू? मैं जरा देखूं तो सही कि मेरे जाने के बाद उसका खिला हुआ चेहरा कितना मुरझा गया है। माँ घर पहुंच चुकी हो। क्यों, तुमने फोन नहीं किया था? फोन करने का मौका ही नहीं, क्या फायदा क्या, घर जा ही रहे। पता है मानस, मुझे लगता है कि उस दिन हमारी गलती थी। अच्छा चलो, मान लेते कि हमारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ के आगे माफी मांगने से कैसे शर्म। तुम जो कह रही हो वो सही है रितिका, लेकिन क्या हम माफी मांगेंगे और माँ हमें माफ कर देंगे? अरे वो मेरी माँ है, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छी तरह से। एक बात जो उनके दिमाग में घर कर जाती है ना, वो आसानी से नहीं निकलती है। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो मानस, कि वो माफ नहीं करेंगे? मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपने आप वापस आ गए, वरना मैं तो बार बार यही सोच रही थी कि मैं खुद जाऊं और उनको मनाकर वापस लेकर आऊं। तुम्हें पता है मानस, सासू माँ का दर्जा मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। मैं जानता हूँ रितिका, राकेश की माँ के साथ तुम्हारा कितना लगाव था मैं देख चुका हूँ। मेरा भी यही ख्वाब है रितिका, कि मेरी माँ तुमसे उतना ही प्यार करे, लेकिन पता नहीं मेरा ये ख्वाब पूरा होगा भी या नहीं। होगा, और बहुत जल्दी होगा। मैं मनाऊंगी उन्हें, मानस उनकी दिलों जान से सेवा करूंगी, वो जो कुछ भी कहेंगे ना मैं वो सब कुछ करूंगी।
मैं उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। और यही तो मां चाहती है कि उनकी बहू उनकी मुट्ठी में रहे, उनकी देखभाल करे, उनकी सेवा करे। तुम जानती हो रितिका, तुम्हारे कलेक्टर होने से माँ बहुत ज्यादा नाखुश है। ये क्या बात हुई, कलेक्टर तो मैं बाहर हूँ ना, घर में तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बहू हूँ, हूँ ना? I promise you, Manas, आज के बाद माँ को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, I promise। मैम साहब, नीचे खाने पे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे भूख नहीं है। बेटा, ख्वाहिश और भूख ना भी हो तो भी कुछ कुछ खा लेना चाहिए। वैसे भी तुम बड़े शहर के लोग खाने से बहुत डरते हो, रूखा फीका ही खाते हो। दादो, वैसे भी ज्यादा तेल घी खाने से ना मोटापा बढ़ जाता है। बेटा, मोटापा खाने से नहीं, मेहनत ना करने से बढ़ता है। तुम्हारे सब काम तो नौकर कर देते हैं, हर चीज वक्त पर मिल जाती है, इसीलिए ना कोई फिक्र ना मेहनत। दादू, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमें खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नौकरों वाले काम करने पड़ेंगे? नौकरों वाला कोई काम नहीं होता, ये तो बस अपनी अपनी सोच है। दादू, वैसे भी हमें खुद को फिट रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे हेल्थ क्लब है ना। बेटा, खाना खाते वक्त बीच में नहीं बोलते। बानो, मेम साहब का खाना ऊपर लगाओ। लेकिन बेटा, तुमने तो ठीक से खाया नहीं। इन्हें ठीक से इनकी दूसरी बीवी खिला देगी। बेटा, इस तरह के तंजिया जुमले नहीं इस्तेमाल किया करो। अम्मी, 10 साल से सीने पर बैठी है वो, मेरे बच्चे उसे फूटी आंख नहीं भाते, उसका बस नहीं चलता, वरना कब का घर से निकाल बाहर करती। ऐसी वैसी बातें मत सोचा करो बेटी, इस तरह की बदख्याली और बदगुमानी रंजिशें बढ़ाती है। वैसे भी खाते वक्त खामोश और खुश रहना चाहिए। चलो बैठो। माँ बाप के पैर छूना तो सौभाग्य की बात होती है। और जो पैर नहीं छूते हैं ना, वो बड़े बदनसीब होते हैं। माँ बाप के सामने ना, लेकिन मैं तो मानस की माँ हूँ। माँ जी, आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। तो बेटी बनकर तो दिखाओ। तुम तो सिर्फ बातें करती हो और हमें ख्वाब दिखाती हो, और ख्वाब पूरा करने के लिए तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? तुम तो एक जिला संभाल सकती हो, घर नहीं।
परिवार कैसे संभालेगा? संभालने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, और जो काबिल होते हैं ना, वो घर और जिला तो क्या, पूरा देश संभाल सकते हैं। ठीक कह रही हो, मुझे बहू की काबिलियत पर अब कोई शक नहीं है। इसने तो अपनी काबिलियत साबित कर दी है। लेकिन क्या बहू, तुम रोज इतनी ही देर से लौटती हो? नहीं माँ जी, वो कभी कभी दौरे पे जाना पड़ता है ना, इसलिए देर हो जाती। ठीक है, अब देर तो हो ही चुकी है, अब जाकर देखो कि क्या खाना बनाना है। जी। क्या साक्षी, खाना अभी तक नहीं बना है? भैया वो मैं बनाने ही जा रही थी, लेकिन माँ ने। नहीं बेटा, वो मैंने ही उसे मना कर दिया था। मैंने सोचा मैं इतने दिन बाद आई हूँ, बहू के हाथ का खाना नहीं खाया, मैं भी तो देखूं कि बहू कैसा खाना बनाती है। माँ जी, बस थोड़ी देर में मैं खाना बना लेती हूँ।